तो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा, आज ये तय हो सकता है। आज दोपहर 2 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक है और उसको लेकर बीजेपी के तीनों पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम रायपुर पहुंच चुके हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी रहे मनसुख मंडाविया भी रायपुर पहुंच गए हैं, वो भी विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। और अगर सीएम पद की रेस की बात कर लें तो कई नाम सुर्खियों में है, चर्चा में है। रमन सिंह, रेणुका सिंह, अरुण साव के नाम चर्चाओं में बने हैं लगातार। तो देखिए, जब से चुनाव के नतीजे आए हैं, बंपर जीत यहां पर बीजेपी ने हासिल की है। छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। पर्यवेक्षक बनाए जा चुके हैं, तीन पर्यवेक्षक अब रायपुर भी पहुंच चुके हैं, उनका जोरदार स्वागत किया बीजेपी ने रायपुर एयरपोर्ट पर। अब जो है मीटिंग होगी और ये माना जा रहा है कि आज शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी और ऐलान की उम्मीद हम जल्द कर सकते हैं। इस वक्त मैं रायपुर एयरपोर्ट पर हूं और आपको तस्वीर दिखाता हूं। यहां पर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वेशभूषा में स्वागत करने के लिए ये कलाकार पहुंचे हैं और ये स्वागत होने वाला है उन पर्यवेक्षकों का जो इस वक्त रायपुर पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट के अंदर हैं और किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। आज विधायक दल की बैठक होनी है और उस बैठक के पहले ये जो है एयरपोर्ट पे पर्यवेक्षक पहुँच चुके हैं। 2 बजे के करीब बैठक होगी और आप देखिए ये पारंपरिक वेशभूषा पहने हुए ये कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि अर्जुन मुंडा, इसके अलावा सर्वानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम, ये तीन पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। ये तीनों पर्यवेक्षक इस वक्त एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और आप देखिए उनके स्वागत में किस तरह की तैयारी की गई है। आज छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा और ये तैयारी हम जो है देख सकते हैं उसी लिहाज से पूरी तरह से की गई है। आप इस तरफ देखिए पर्यवेक्षक जो है आ रहे हैं, उनके साथ तमाम अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। ये सभी यहां से सीधे जानकारी के मुताबिक रायपुर के में स्थित जो बीजेपी का दफ्तर है वहां जाएंगे। अभी जो अर्जुन मुंडा है, सर्वानंद सोनोवाल, वो यहां पर पहुंचेंगे और इन्हें सीधे यहां से लेकर जाया जाएगा। आपको बता दें कि पूरी तैयारी हुई है। देखिए अर्जुन मुंडा इस वक्त यहां बैठ रहे हैं। अर्जुन जी कुछ कहना चाहेंगे, कब तक है? थोड़ा सा एक सवाल ले लीजिए सर, एक सवाल। ठीक है, अर्जुन मुंडा इस वक्त बैठ चुके हैं, सर्वानंद सोनोवाल बैठ चुके हैं और ये यहाँ से सीधे निकल रहे हैं रायपुर में स्थित जो बीजेपी का दफ्तर है वहाँ पर, और वहीं पर आज बैठक होने वाली है और इस बैठक में आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम तय कर लिया जाएगा और इनके ही यहाँ आगमन की जो पूरी तैयारी है वो की गई थी। तैयारियों के तहत आप देखिए यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था उनके स्वागत में अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम यहाँ से निकल चुके हैं। 2 बजे बैठक होगी और इस बैठक में जो मुख्यमंत्री है वो चुन लिया जाएगा। जो संभावित मुख्यमंत्री है उनमें विष्णुदेव साय, रमन सिंह, रेणुका सिंह, इसके अलावा अरुण साव, ये संभावित मुख्यमंत्री हैं जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आज जो 3 तारीख से लगातार एक तरह से माहौल बना हुआ था कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उस पर आज आखिरी मोहर लग जाएगी। कैमरा पर्सन सनी पासवान के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, रायपुर, जी न्यूज़।